प्रोग्रेस बार पैक 1.0 फॉर डाविंची रिजॉल्व, जिसमें हमें मिलेंगे 52 प्रोग्रेस बार, जिन्हें सिंपल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपके टाइमलाइन पर, ये अप्लाई हो जाएंगे। बहुत इजी है, आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आगे। और सिंपल आपको एक बात बता दूं, इसे इंस्टॉल कैसे करना है इसे ध्यान से देखना, क्योंकि विंडोज और मैक के लिए दोनों में अलग अलग जगह पे इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। साथ ही आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर हमने पासवर्ड लगा रखा है, जिस वजह से आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, बीच बीच में हमने यहाँ पे पासवर्ड शो कर रखा है। चलिए बढ़ते डाविंची रिजॉल्व के स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमें इफेक्ट्स में जाना है। यहाँ पे टाइटल्स में जाने के बाद यहाँ पे लोडिंग बार एक ऑप्शन दिख रहा है जो मैंने अपने से क्रिएट किया है, कैसे करना है आगे वीडियो में बताऊंगा। और इसके ऊपर देखिए, आप सिंपल ड्रैग करते तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा वाला लोडिंग बार है इसके अंदर, क्योंकि नेम से आपको पता नहीं चल रहा कि इसका इफेक्ट कैसा है। तो सिंपल ऐसे देख लेना है, उसके बाद में इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने टाइमलाइन के अंदर। और अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ आपको उसकी बढ़ा देना है, जितना आपका वीडियो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अभी हम यहाँ पे प्ले करके देखते थे, उसके अकॉर्डिंग ही उतने मिनट तक ये ऐसे चलता रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये फाइल जो है डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में उसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा। हम पासवर्ड वीडियो में आपको पता चल ही गया होगा कि हम बीच बीच में पासवर्ड को दिखा रहे हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको ये देखना है, पासवर्ड को पूरा अच्छे से लिख लेना है, फिर उसको यहाँ पे डाल के इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास में ऐसे एक फोल्डर होगा, जिसके अंदर और एक फोल्डर होगा। तो इन सारे सेटिंग्स को जो आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से सिंपल। और विंडोज़ वाले यूज़र्स के लिए यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, पहले से विंडोज़ और मैक दोनों के लिए दे रखा हूँ, लेकिन आप इसके अलावा भी एक और जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे प्रोग्राम फाइल्स, ब्लैक मैजिक डिज़ाइन और डाविंची रिजॉल्व, फ्यूजन, टेम्पलेट्स, एडिट और टाइटल्स। यहाँ पे हमने एक स्पेशल प्रोग्रेस बार नाम से एक फोल्डर बना के रखा है, इसके अंदर आपको उसको सिंपल पेस्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको डाविंची रिजॉल्व ओपन करना है, और जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया था इफेक्ट्स के अंदर वो कैसे दिखता है, वहाँ पर आपको सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो जरूर से लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।